जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको काफी अमेजिंग न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों बहुत ही शानदार टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको बताता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिमाइंडर, कल दोस्तों ओप्पो अपने एक नए 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया था। कल ही डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको मैं सब कुछ बता दिया था ओप्पो A53s 5G के बारे में, तो आई बटन पे वीडियो दे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिए, सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है Redmi K40 गेम इनहेंस एडिशन की तरफ से। कल दोस्तों ये चाइना में लॉन्च हो गया था, कल ही रात को डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको मैं सब कुछ बता दिया था, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिए, सब कुछ मालूम चल जाएगा। और इसको लेकर बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आए हैं, ये इंडिया में भी लॉन्च होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है दोस्तों 6+128GB इसका बेस वेरियंट है, 23,000 रुपये का लॉन्च हुआ है। 23,000 रुपये में दोस्तों आपको इतना शानदार गेमिंग स्मार्टफोन मिल जाता है। और ये इंडिया में दोस्तों पोको F3 GT के नाम से लॉन्च होगा, क्योंकि दोस्तों कोड नेम्स थोड़े बाहर निकल गए हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता कि पोको F3 GT के नाम से ये इंडिया में लॉन्च होगा। मेरे को लगता है अगले महीने के अंत तक वो लॉन्च हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों पोको के ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च हो चाहे रेडमी के अंदर, हम लोगों को खरीदने से मतलब है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo V21 सीरीज के तरफ से। कल ये स्मार्टफोन्स मलेशिया में लॉन्च हो गए थे और कल ही डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिए, सब कुछ मालूम चल जाएगा। Vivo V21 5G वेरियंट में लॉन्च हुआ है, जिसका प्राइस है दोस्तों 8128 30,000 रुपये का, 29,150 रुपये। और Vivo V21e ये 4G है, यहाँ पर आपको 8128 23,680 रुपये का दिखाई देगा। तो प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा रख दिए हैं, ओवर प्राइस स्मार्टफोन है और बिल्कुल आपको सेम टू सेम वही स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको Vivo V20 सीरीज के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते थे, ज़्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं किया गया है। आप जाके वीडियो चेकआउट करो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है टेक्नो कैमन 17 के तरफ से। इसके दोस्तों कुछ स्पेक्स मालूम चल गए हैं, हीलियो G85 मिलेगा और 90Hz का रिफ्रेश रेट होगा और पीछे से आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा और बहुत ही जल्द अगले महीने के अंत तक या फिर अगले महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये लॉन्च हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ओप्पो बैंड वाइटलिटी एडिशन के तरफ से। इसका फर्स्ट लुक आ चुका है, देख लीजिए, आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, देखने में तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये भी दोस्तों 6 मई को ओप्पो K9 के साथ लॉन्च हो जाएगा। अगर आप दोस्तों ओप्पो K9 के बारे में जानना चाहते हो तो डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिए, सब कुछ मालूम चल जाएगा। प्राइस भी बता चुका हूँ क्योंकि ओप्पो K9 का सब कुछ लीक हो चुका है, ऑफिशियल प्राइस भी, ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस भी, जाके वीडियो चेकआउट करिए, मालूम चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग के तरफ से। मैं करीबन आपको एक महीने पहले बताया था कि सैमसंग का दोस्तों 65 वॉट का चार्जर इंडिया के BIS को क्लियर कर चुका है। आज दोस्तों वापस से वो BIS को क्लियर किया है और उसका फर्स्ट लुक आ चुका है, देख लीजिए 65 वॉट के चार्जर का। तो सैमसंग का 65 वॉट का चार्जर इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है माधव सेठ सर के तरफ से। ये दोस्तों आस्क माधव का जो दोस्तों नया एपिसोड आया था ना, उस पर कन्फर्म कर चुके हैं कि 4 मई को रियलमी X7 मैक्स लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। लेकिन पूरा न्यूज सुन लो अभी अभी दोस्तों, थोड़ी देर बाद मतलब कि आज शाम को ही ट्विटर पे वो दोस्तों कन्फर्म कर दिए कि जितने भी आने वाले यहाँ पर जो भी इवेंट्स होने वाले हैं रियलमी के, अभी एनिवर्सरी आने वाला था, रियलमी का 3rd एनिवर्सरी था, 4 या 5 तारीख को था शायद, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। रियलमी X7 मैक्स के लॉन्च इवेंट को भी कैंसिल कर दिया गया है और रियलमी का AIoT प्रोडक्ट्स का भी इवेंट होने वाला था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। मतलब कि पोस्टपोन कर दिया गया है सारे इवेंट्स को। किस लिए किया गया है आप जानते ही हैं, हम लोगों के देश में भी क्या चल रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों आप घर पे ही रहिए यार, बाहर मत निकलिए, कोई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलिए, मास्क वेयर करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, लेकिन जितना हो सके उतना घर पे ही रहिए यार, ठीक है। बाहर बहुत मुसीबत है, घर पे रहेंगे खुद भी बचेंगे, अपने परिवार को भी बचाएंगे। तो इसी वजह से दोस्तों यही सब जो रीजंस है कोविड की वजह से, इसी वजह से जितने भी दोस्तों फ्यूचर जितने भी इवेंट्स थे सबको कैंसिल कर दिए माधव सेठ सर, और ये एक अच्छा मूव है, सब लोग दोस्तों घर पे ही रहेंगे, अच्छा भी रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Asus Zenfone 8 सीरीज के तरफ से। जैसे कि आप जानते हो Asus Zenfone 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स 12 मई को लॉन्च हो जाएंगे, मैं बता भी चुका था, लेकिन इस बार शायद आपको Asus Zenfone 8 सीरीज में फ्लिप कैमरा मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा। टीजर आ चुका है जहां पर हम लोगों को पंच होल दिखाई दे रहा है। ऐसा मेरे को लगता है यार कि जो पंच होल होगा ना वो छोटे स्मार्टफोन में होगा, मतलब कि जो कॉम्पैक्ट साइज बार बार बोल रहे हैं ना उस पे पंच होल देखने को मिलेगा, जो हायर वेरियंट होगा
वहां पर फ्लिप कैमरा मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि ASUS भी इस बात को जानता है, जो Zenfone सीरीज के स्मार्टफोन्स होते हैं वो केवल फ्लिप कैमरा मैकेनिज्म की वजह से ही फेमस है, उसको हटाएगा नहीं इतना जल्दी। अब देखो यार, ऐसा मेरे को लगता है, कुछ भी हो सकता है यार। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अमेजिंग है। सैमसंग गैलेक्सी M42 5G फाइनली इंडिया में आज लॉन्च हो चुका है। अगर आप इस स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हो, आज सुबह ही डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था मैं, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिए, सब कुछ मालूम चल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो 6+128GB 22,000 रुपये का लॉन्च हुआ है, 8+128GB 24,000 रुपये का लॉन्च हुआ है, और 1 मई से सुबह 12 बजे अमेजोन पे इसका पहला सेल रहेगा। पहले सेल में 6+128GB वाला वेरिएंट आपको 20,000 रुपये का दिखाई देगा, 2,000 रुपये बचा लोगे। पहले सेल में ही जाके स्मार्टफोन को परचेस करने का कोशिश करिएगा तो आपका 2,000 रुपये बच जाएगा, तो जाके परचेस कर लेना यार। और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो चेकआउट करिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के तरफ से। इसके दोस्तों फर्स्ट लुक आ गए, देख लीजिए, आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। देखने में यार काफी यूनिक डिजाइन है, कैमरा हाउसिंग को कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिया गया है, नीचे स्पार्क लिखा गया है, देखने में डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बारे में कुछ और अगर मालूम चलेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ओप्पो एको बर्ड्स के तरफ से। ये CQC सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं, बहुत ही जल्द ये भी हम लोगों को लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी A22 5G के तरफ से। आज ये वाईफाई एलाइन सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, ये बहुत ही जल्द दोस्तों लॉन्च होगा, लेकिन इंडिया में 4G वेरिएंट लॉन्च होगा, क्योंकि इंडिया में 4G वेरिएंट ही BIS को क्लियर कर चुका है, मैं आपको 2-3 हफ्ते पहले बताया था। तो 4G वेरिएंट लॉन्च होगा इंडिया में A22 का, 5G नहीं लॉन्च होगा अभी तक, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मालूम चले हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ओप्पो के तरफ से और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। ओप्पो दोस्तों आने वाले टाइम में कार भी मैन्युफैक्चर करेगा, ओप्पो कार इंडस्ट्री में भी एंटर कर रहा है, ऐसे ऐसे दोस्तों लीक्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो टिप्स्टर हैं चाइना के, वो दोस्तों बता रहे हैं कि ओप्पो अभी ट्राई कर रहा है नए कार को दोस्तों बनाने का, मतलब कि कार इंडस्ट्री में एंटर करेगा ओप्पो। अब देखते हैं दोस्तों ओप्पो के कार का नाम क्या होता है, जैसे हुआवे एंटर किया है, शाओमी एंटर किया है, वैसे ओप्पो भी कर रहा है, अब देखते हैं किसका पहले कार आता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल की तरफ से। फाइनली दोस्तों ये एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए आ चुका है, इसका अर्ली एक्सेस चालू हो गया है, अगर आप प्री रजिस्टर किए थे तो आपको मिल जाएगा। मैं भी किया था यार, मेरे को अभी तक मिला नहीं है, नहीं तो मैं आपको गेम प्ले वीडियो बना के दे देता। मैं वैसे गेम प्ले देखा, इतना अच्छा ग्राफिक नहीं है, अभी तो अर्ली एक्सेस में, धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेंगे। आप सोच रहे हो कि पबजी मोबाइल लेवल का ग्राफिक मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है यार, पबजी मोबाइल पबजी मोबाइल है, उसके ग्राफिक्स अलग ही लेवल के हैं, और वो गेम बहुत टाइम तक अपने आप को इम्प्रूव किया है, तब जाके वो इस काबिल बना है पबजी मोबाइल, ठीक है। स्टार्टिंग में पबजी मोबाइल जो खेलते थे, मैं भी स्टार्टिंग से खेलते हुए आया हूँ, तो इतने अच्छे ग्राफिक्स स्टार्टिंग में नहीं थे, धीरे धीरे इम्प्रूव होते गया तब जाके पबजी मोबाइल में इतना अच्छा ग्राफिक देखने को मिलता है। तो वैसे ही दोस्तों सारे गेम्स खुद को इम्प्रूव करते हैं, धीरे धीरे वो भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा, ठीक है। अभी अर्ली एक्सेस जैसे आता है मैं आपको गेम प्ले वीडियो बना के दे दूंगा, फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप जाके प्ले स्टोर में एपेक्स लेजेंड सर्च करो और जाके प्री रजिस्टर कर लो, क्या पता आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी F52 5G की तरफ से। आज ये गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग में पकड़ा गया है, सब कुछ मालूम चल गया इसके बारे में। 6.57 इंच का TFT डिस्प्ले मिलेगा फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ, बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है। स्नैपड्रैगन 750G के साथ आएगा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप होगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, 4350mAh का बैटरी होगा और उल्टे साइड में पंच होल डिस्प्ले होगा। तो यार मेरे को TFT डिस्प्ले अच्छा ही लगता है, IPS LCD डिस्प्ले देना चाहिए सैमसंग को। मैं आपको दोस्तों कई बार बोल चुका हूँ, सैमसंग देगा तो AMOLED देगा, नहीं तो डायरेक्ट TFT पे आ जाता है। IPS LCD डिस्प्ले बहुत ही कम यूज करता है सैमसंग, जो गलत बात है। कुछ और अगर मालूम चलेगा सैमसंग गैलेक्सी F52 के बारे में आपको बताता रहूंगा मैं, ये 5G स्मार्टफोन है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग प्रो सील्ड करके एक नए नाम को ट्रेडमार्क कर चुका है। अब ये क्या करता है, एक सर्विस है जहां पर आपके स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉचेस को सर्विस देगा सैमसंग, मतलब कि कुछ उस पर प्रोटेक्शन लगाएगा, फ्रेम्स लगाएगा, जिससे जल्दी टूटेगा नहीं वो जो डिवाइस होगा। अभी तक तो इतना इन्फॉर्मेशन मालूम चला है, जैसे कुछ और मालूम चलेगा आपको बताता रहूंगा मैं सैमसंग प्रो सील्ड के बारे में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus Nord N10 के सक्सेसर के तरफ से। ये दोस्तों आज IMDA सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, बहुत ही जल्द दोस्तों ये भी लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को, कुछ और अगर मालूम चलेगा आपको बताता रहूंगा मैं।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है नूबिया जी की तरफ से। उसके दोस्तों कोई एक स्मार्टफोन का रेंडर आ चुका है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी दिखाई देगा, फ्लैट डिस्प्ले नहीं होगा, कर्व्ड होगा, और कैमरा हाउसिंग देखने में अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा Xiaomi के फोन्स का याद दिला दे रहा है मेरे को, और Oppo के फोन्स का भी, तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं ये एक्चुअली कब लॉन्च होगा, कुछ भी मालूम चलेगा आपको बताऊंगा मैं। तो दोस्तों पास यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 20 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो, और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज़ अच्छा लगा। और मैं ऐसे आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टैक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, और शाम को टेक न्यूज़ भी देता हूँ। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। With the